दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको जीके एजुकेशन वीडियो बनाना सिखाने वाला हूँ। इस तरह के वीडियो में लाखों और मिलियन में व्यूज आता है। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। आपका पहला सवाल है कि इस फल में बीज नहीं होता है। ए आम, बी अंगूर, सी केला, डी पपीता। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी केला। आप भी इस तरह का एजुकेशन वीडियो बनाकर महीने की अच्छी खासी अर्निंग कमा सकते हैं। सबसे पहले इस चैनल को देखिए जिसने सिर्फ जीके क्वेश्चन वीडियो अपलोड करके 2 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिया है और इसके हर वीडियो पर लाखों और मिलियन में व्यूज आते हैं। और ये अपनी वीडियो में ना तो अपना फेस दिखाते हैं और ना ही वॉइस ओवर करते हैं, और ये अपने वीडियो में AI वॉइस का यूज करते हैं। और आप इस चैनल की अर्निंग भी देख सकते हैं जो महीने के $700 से लेकर $11,000 से भी ज्यादा का अर्निंग करता है। हम इस तरह के वीडियो को 4 स्टेप में बनाने वाले हैं, तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 जीके क्वेश्चन। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है और लिखना है जीके क्विज इन हिंदी, उसके बाद सर्च कर देना है। अब आपके सामने बहुत सारे जीके क्वेश्चन का वेबसाइट आ जाएगा। अब आपको किसी भी एक वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं हमारे सामने बहुत सारे जीके क्वेश्चन आ चुका है। अब आपको शो आंसर पर क्लिक करके आंसर को देख लेना है, उसके बाद पूरे क्वेश्चन को कॉपी कर लेना है, उसके बाद नोटपैड में आकर पेस्ट कर लेना है। इसी तरह आपको जितने क्वेश्चन का वीडियो बनाना हो उतने क्वेश्चन को कॉपी करके नोटपैड में आकर पेस्ट कर लेना है। क्वेश्चन कॉपी करने के बाद अब आपको क्वेश्चन के पहले कुछ इस तरह से लिख देना है आपका पहला सवाल है, उसके बाद इसको कॉपी कर लेना है, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन के पास आकर पेस्ट कर देना है और पहला के जगह दूसरा लिख देना है। इसी तरह सभी क्वेश्चन के साथ लिख लेना है। अब आपको फिर से ऊपर आ जाना है और ऑप्शन के नीचे लिखना है आपका सही जवाब है। उसके बाद कोमा लगाकर जो ऑप्शन सही हो उसे लिख लेना है, कुछ इस तरह से। इसी तरह सभी का आंसर लिख लेना है। नंबर 2 वॉइस जनरेट। हम वॉइस जनरेट करने के लिए नरेटर वॉइस ऐप का यूज करने वाले हैं। आपको प्ले स्टोर पर आकर इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है, उसके बाद ओपन कर लेना है। अब थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब आपको सबसे पहले ऊपर 3 लाइन पर क्लिक कर देना है, उसके बाद आपको साइड में सेटिंग पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको लैंग्वेज पर क्लिक कर देना है और हिंदी इंडिया को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद बैक आ जाना है। अब आपको सबसे पहले अपने नोटपैड में आकर अपने क्वेश्चन को कॉपी कर लेना है, उसके बाद यहां आकर पेस्ट कर देना है, उसके बाद नीचे शेयर वाले आइकन पर क्लिक कर देना है, उसके बाद सेव ऑन डिवाइस पर क्लिक कर देना है, उसके बाद फाइल नेम को लिखकर सेव कर लेना है। नंबर 3 इमेज जनरेट। स्टोर में आकर इमेज सर्च मैन ऐप को डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद ओपन कर लेना है। अब आपको नोटपैड में आकर क्वेश्चन को देख लेना है कि हमें किस तरह का इमेज चाहिए। जैसे में हमारा क्वेश्चन है किस फल में बीज नहीं होता है, तो हमें फल फ्रूट का इमेज चाहिए, तो आपको यहाँ आकर सर्च कर देना है। हम सर्च कर लेते हैं। जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने बहुत सारे इमेज आ जाएगा। अब आपको जो अच्छा लगे उस इमेज पर क्लिक कर देना है, उसके बाद नीचे डाउनलोड का आइकन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। इसी तरह आपको अपने क्वेश्चन के हिसाब से सभी इमेज को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद अब आपको सभी इमेज का बैकग्राउंड को रिमूव कर लेना है। बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए आप इस ऐप का यूज कर सकते हैं। आपको इस ऐप को ओपन कर लेना है, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको लोड ए फोटो पर क्लिक कर देना है, उसके बाद आपको अपने इमेज को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद ऊपर डन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको नीचे में बहुत सारे ऑप्शन हो रहा होगा, लेकिन आपको AI वांटो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद थोड़ा सा टाइम लेगा और आपका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। इसके बाद ऊपर डन पर क्लिक करके सेव पर क्लिक कर देना है, उसके बाद फिनिश पर क्लिक कर देना है। इसी तरह आपको सभी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर लेना है। नंबर 4 वीडियो एडिटिंग। हम वीडियो को एडिट करने के लिए काइनमास्टर ऐप का यूज करने वाले हैं। आप किसी भी एडिटिंग ऐप में वीडियो को एडिट कर सकते हैं। आपको काइनमास्टर को ओपन कर लेना है, उसके बाद क्रिएट न्यू पर क्लिक कर देना है, उसके बाद YouTube लॉन्ग वीडियो का रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद नीचे क्रिएट पर क्लिक कर देना है। अब आपको एक बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है। बैकग्राउंड सिलेक्ट करने के बाद इसकी टाइमलाइन को खींचकर अपने वीडियो के हिसाब से बड़ा कर लेना है। अब आपको ऑडियो पर क्लिक कर देना है, उसके बाद साइड में स्क्रॉल करके सॉन्ग पर क्लिक कर देना है, उसके बाद आपको अपने वॉइस को सिलेक्ट कर लेना है। वॉइस को सिलेक्ट करने के बाद अब आपको लेयर पर क्लिक करके टेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, उसके बाद अपने क्वेश्चन को पेस्ट कर देना है, उसके बाद सही पर क्लिक कर देना है। अब आपको इसको ऊपर एडजस्ट अच्छी तरह से लगा लेना है। अब आपको साइड में फॉन्ट पर क्लिक कर देना है, उसके बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना, आपको एक रोबोट मीडियम फॉन्ट दिख रहा होगा, उसको सेलेक्ट कर लेना है। अब आपको साइड में इन एनिमेशन पर क्लिक कर देना है, उसके बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके जाना है, आपको एक वाइप राइट एनिमेशन दिख रहा होगा, उसको सेलेक्ट कर लेना है।
उसके बाद इसके एनिमेशन का टाइम को बढ़ा लेना है, उसके बाद इसको खींच कर ऑडियो के हिसाब से बड़ा कर लेना है। अब आपको वीडियो को चला कर देख लेना है, जहाँ पर सवाल खत्म हो वहाँ तक आ जाना है। उसके बाद फिर से लेयर पर क्लिक करके टेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अपने ऑप्शन को पेस्ट कर देना है, उसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है। अब आपको इसको खींच कर बड़ा करके अच्छी से सेट कर लेना है। उसके बाद आपको साइड में एक कलर का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर लेना है। आपको अपने बैकग्राउंड के कलर के हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। कलर सिलेक्ट करने के बाद इन एनिमेशन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके आपको वाइप डाउन एनिमेशन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इसके भी एनिमेशन के टाइम को बढ़ा लेना है। उसके बाद इसे भी खींच कर बड़ा कर लेना है। अब आपको वीडियो के शुरू में आ जाना है। उसके बाद लेयर पर क्लिक करके मीडिया पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको क्वेश्चन के हिसाब से फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। हमारा फल फ्रूट का सवाल है, तो हम फल फ्रूट का इमेज सिलेक्ट कर लेते हैं। अब आपको साइड में खाली जगह में एडजस्ट करके लगा है। उसके बाद इन एनिमेशन पर क्लिक करके पॉप एनिमेशन को सिलेक्ट कर लेना है। अब हम एक बार वीडियो को सुन लेते हैं। आपका पहला सवाल है कि इस फल में बीज नहीं होता है। ए आम, बी अंगूर, सी केला, डी पपीता। अब आपका जहाँ पर ऑप्शन खत्म हुआ है वहाँ पर वॉइस पर क्लिक करके नीचे में स्क्रॉल करना, आपको एक ट्रिम एंड स्प्लिट लिखा हुआ दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद स्प्लिट करके इसे कट कर लेना है। उसके बाद इसको 5 सेकंड आगे कर लेना है। उसके बाद लेयर पर क्लिक करके टेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद एक टाइमर को सिलेक्ट कर लेना है। ये टाइमर भी मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टाइमर को सिलेक्ट करने के बाद आपको साइड में स्क्रॉल करना है। उसके बाद क्रोमा की पर क्लिक कर देना है। उसके बाद इसको इनेबल कर देना है। उसके बाद ऊपर में 50 कर लेना है। उसके बाद बैक आ जाना है। अब इसको छोटा करके नीचे साइड में लगा लेना है। अब हमारा जहाँ पर टाइमर खत्म हो रहा है वहाँ पर ऑडियो को खींच कर लेकर आ जाना है। अब आपको लेयर पर क्लिक करके नीचे हैंडराइटिंग पर क्लिक कर देना है। उसके बाद सर्कल पर क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो अंसवार सही हो उसके ऊपर खींच के लगा लेना है। अब आपको बैक आकर इसे अपने ऑप्शन के ऊपर अच्छी तरह से लगा लेना है। उसके बाद इन एनिमेशन पर क्लिक करके ड्रॉ बाय स्ट्रोक एनिमेशन को सिलेक्ट कर लेना है। अब हम इसे एक बार प्ले करके देख लेते हैं। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी केला। सो इसी तरह आपको अपने वीडियो को एडिट कर लेना है। अब ऊपर एक्सपोर्ट पर क्लिक करके फ्रेम रेट को 50 FPS पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सेव एज वीडियो पर क्लिक करके वीडियो को डाउनलोड कर लेना है।